नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है बनारस एक्सप्रेस के बारे में, जो कि मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस उत्तर प्रदेश के बीच में रोजाना चलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। ये जो ट्रेन है मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस उत्तर प्रदेश के बीच में रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है। इसका जो ट्रेन नंबर है वो है 12167। ICF कोचेस वाली ट्रेन है ये। जो ट्रेन है डेली ट्रेन है, हफ्ते के सातों दिन चलती है। 27 घंटे 10 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर करती है और इसके तकरीबन 15 स्टेशन्स हैं और 1495 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है, सेंट्रल रेलवे डिवीज़न जो है इसे ऑपरेट करता है और ये जो ट्रेन है वेब 7 और वेब 4 इंजन के साथ जो है चलाई जाती है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो अभी आपके सामने इसका रूट मैप है। ये जो ट्रेन है मुंबई महाराष्ट्र से ये स्टार्ट होती है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस से स्टार्ट होती है। बाद में ये ट्रेन जो है मध्य प्रदेश में एंटर करती है। मध्य प्रदेश के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश होते हुए ये उत्तर प्रदेश के बनारस यानी कि वाराणसी शहर के बनारस रेलवे स्टेशन पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें मुंबई बनारस एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको टिकट किराया बताऊंगा वो मुंबई से बनारस तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसमें फर्स्ट एसी का कोच है जिसका मुंबई से बनारस तक का जो टोटल किराया है वो है 4135 रुपये, जिसमें 3803 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 75 रुपये है। GST चार्ज जो है वो है 197 रुपये। टोटल किराया 4135 रुपये है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में सेकंड एसी के कोच हैं। सेकंड एसी का मुंबई से बनारस तक का जो टोटल किराया है वो है 2440 रुपये, जिसमें 2229 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 116 रुपये है। टोटल किराया 2440 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा मुंबई बनारस एक्सप्रेस में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो टोटल किराया है वो है 1700 रुपये, जिसमें 1534 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 45 रुपये है। GST चार्ज 81 रुपये है। टोटल किराया 1700 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। मुंबई से बनारस तक का स्लीपर क्लास का किराया है इस ट्रेन का वो है 650 रुपये, जिसमें 600 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 20 रुपये है। 30 रुपये सुपरफास्ट चार्ज शामिल है। टोटल किराया 650 रुपये बनता है। यह अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल डिब्बे भी हैं। जनरल डिब्बों में इसमें रिजर्वेशन के साथ जाना होगा। रिजर्वेशन के साथ जो किराया है वो है 390 रुपये, जिसमें 360 रुपये तो बेस फेयर है। रिजर्वेशन चार्ज 15 रुपये है। सुपरफास्ट चार्ज 15 रुपये है। टोटल किराया 390 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म करें। वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रेन में पेंट्री कार यानी कि रसोई यान कक्ष की फैसिलिटी भी साथ में है, जहां से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस है आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते हैं, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये फूड फैसिलिटी के चार्ज देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आगे बात करते हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस से बनारस उत्तर प्रदेश तक चलने वाली बनारस एक्सप्रेस या मुंबई बनारस एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में। ये जो ट्रेन है मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस एक्सप्रेस, ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई महाराष्ट्र से हर रोज रात को 10:45 पे 3 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 27 घंटे 10 मिनट बाद ये ट्रेन जो है बनारस रेलवे स्टेशन पे पहुंचती है और इसके तकरीबन 13 स्टेशन हैं और इसके अलावा 2 इसके टेक्निकल स्टॉप भी हैं। तो इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद जो बनारस एक्सप्रेस का जो दूसरा स्टेशन है वो है कल्याण जंक्शन। कल्याण जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:27 पे पहुंचती है और 11:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है। 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। तकरीबन 35 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KYN। इसके बाद ये ट्रेन जो है कसारा और इगतपुरी में पहुंचती है, वो इसका टेक्निकल हॉल्ट है। पर इसका जो प्रॉपर हॉल्ट है अगला वो है स्टॉपेज है वो है नासिक रोड। नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे रात के 2:10 पे पहुंचती है और 2:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 166 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है
और यहाँ पर मंगला लक्षद्वीप और विदर्भ एक्सप्रेस के साथ इसकी डेली क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है महाराष्ट्र के भुसावल जंक्शन में पहुँचती है। भुसावल जंक्शन में इस ट्रेन जो है सुबह 5:45 पर पहुँचती है और 5:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 423 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। खांडवा जंक्शन जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 8:17 पर पहुँचती है और 8:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 546 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KNW। इसके बाद मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो मध्य प्रदेश के इटारसी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है सुबह 10:40 पर और 10:50 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 730 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है ET। इसके बाद मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में दोपहर के 2:15 पर पहुंचती है और 2:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है, 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 975 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। यहाँ पर श्रमिक एक्सप्रेस और बनारस उतना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कुछ अन्य ट्रेनों के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद महाराष्ट्र के कटनी जंक्शन में दोपहर के 3:50 पर पहुँचती है और 3:55 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1066 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है KTE। इसके बाद मध्य प्रदेश के आखिरी स्टेशन सतना जंक्शन मध्य प्रदेश में शाम के 5:55 पर पहुंचती है और 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1242 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मानिकपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश में यह ट्रेन जो है दोपहर के 3:20 पर पहुंचती है और 7:20 पर पहुंचती है और 7:22 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद प्रयागराज चिवकी जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 9:10 पर पहुंचती है और 9:12 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1334 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है PCOI। इसके बाद मुंबई बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने सेकेंड लास्ट स्टेशन वाराणसी जंक्शन उत्तर प्रदेश में रात के 1:25 पर पहुंचती है और 1:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और मुंबई से वाराणसी की जो दूरी है 1490 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुंबई लोकमान्य तिलक टर्मिनस बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है या बनारस एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन बनारस मंडुआडी जिसे कहा जाता था बनारस रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में रात के 1:55 पर पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल दूरी है 1493 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मुंबई से बनारस तक चलने वाली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूँ तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ।